क्या बात है राहुल, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं चिंकी, मुझे अपनी ब्रिज कोर्स बुक की यूनिट 2 की एक्टिविटी 6 करनी है, लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पर इन लगाते हैं और कहाँ पर ऑन लगाते हैं। बस इतनी सी बात, चलो चलते हैं ज्योति मैम के पास। मे आई कम इन मैम? अरे यस कमिंग। यस राहुल एंड चिंकी, कहो कैसे आना हुआ? मैम, राहुल को ब्रिज कोर्स की यूनिट 2 की एक्टिविटी 6 समझनी है। यस मैम, इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन इन और ऑन, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे इन लगाना है और कहाँ पे ऑन। बैठो बच्चों, मैं तुमको समझाती हूँ। इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको प्रीपोजिशन के बारे में जान लेना जरूरी है। मैम, ये प्रीपोजिशन क्या होते हैं? बच्चों, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन मीन्स स्थिति बताते हैं, तथा ये उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध भी वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। यदि हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन एंड टेल्स द रिलेशनशिप ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। यह वाक्य के अन्य शब्दों से उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है जिसके पहले इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह डायरेक्शन, प्लेस, टाइम और रिलेशनशिप भी बताता है। कैसे मैम? देखो बच्चों, जैसे ये बुक कहाँ पर रखी हुई है? मैम, टेबल के ऊपर। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैम, अ बुक इज ऑन द टेबल। तो राहुल, यहाँ पे जो ऑन वर्ड है वह बता रहा है कि बुक टेबल के ऊपर है, मतलब यह बुक की स्थिति को बता रहा है। अच्छा मैम, इसका मतलब ऑन प्रीपोजिशन है। बिल्कुल सही चिंकी। प्रीपोजिशन ऑन, इन और एट का यूज टाइम और प्लेस दोनों को बताने के लिए होता है, इसलिए इन्हें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी कहते हैं। समझ गया मैम, लेकिन इस एक्टिविटी में इन कहाँ पर लगाएंगे और ऑन कहाँ पर लगाएंगे? राहुल, ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग पर्टिकुलर टाइम, मतलब राहुल, प्रीपोजिशन ऑन का उपयोग पर्टिकुलर डे और डेट को बताने के लिए होता है, जैसे ऑन संडे, ऑन 25th दिसंबर। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि डे और डेट में ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है और इन प्रीपोजिशन का यूज ब्रॉडर टाइम रेंज, जैसे मंथ और ईयर और डिकेड को बताने के लिए होता है, जैसे जनवरी, फरवरी और 2012, 2024। तो ये मंथ और ईयर को बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ओके मैम, तो जैसे इस एक्टिविटी में फर्स्ट में दिया है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक दिसंबर 25th,
तो ये डेट है, तो इसमें हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बिल्कुल चिंकी, इसमें हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मैम, सेकेंड सेंटेंस में होली इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक फेब्रुअरी और मार्च, तो ये मंथ के नाम है, तो इसमें हम इन का यूज करेंगे। यस राहुल, मंथ के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस तुम बताओ चिंकी। मैम, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 26, क्योंकि ये डेट है। ऑल राइट चिंकी, अब नेक्स्ट सेंटेंस तुम बताओ राहुल। मैम, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि ये मंथ के नेम है। बिल्कुल बच्चों, तो अब आप समझ गए कि इनका यूज कहाँ पर होता है और ऑन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर होता है। यस मैम, डे और डेट के पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है, और मैम मंथ और ईयर के पहले इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। थैंक यू मैम, हमें इतने अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू मैम, हमें प्रीपोजिशन समझाने के लिए। यस मैम, अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हम इन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करेंगे और ऑन प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पर करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह के ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम को, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।